अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतना सब करने के बाद भी रकम पूरी नहीं होती। फोई जितें घर में जितना था सब यही है। मैंने अभी अभी अपने ऑफिस से बात की है, आज सैटरडे है, मैं सिर्फ 20 करोड़ रुपए का इंतजाम कर पाऊंगा। सबकी वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, मतलब हमारे पास सिर्फ 25 करोड़। 5 करोड़ की मदद और हमें मिल जाएगी, लेकिन फिर भी होते 30 करोड़ और हमें चाहिए पूरे 80 करोड़। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगे? तरुणराज मायावंशी को यहाँ पर होना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि अगर पप्पा यहाँ होते तो जरूर कुछ ना कुछ करते, लेकिन फिलहाल हमें यही सोचना कि ये पैसे इकट्ठा कैसे करें। मैं दूंगी 25 करोड़। इतने सारे पैसे तू कहां से लाएगी? फोई मुझे पता है ये पैसे कैसे और कहां से लाने। लेकिन लेकिन क्या? इन पैसों का इंतजाम करने के लिए मुझे हम में से किसी एक की मदद चाहिए। किसकी मदद से? मूंगी। मैम हाँ तुम। तुम मूंगी, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। चलो मेरे साथ। पर बिरवा, माँ मूंगी है ना मेरे साथ, हम दोनों मिलके ये 25 करोड़ ला सकते हैं। चलो मूंगी। मैम पर हम ऐसे वक्त पे कारखाने क्यों आए? बताती हूँ। बहादुर कैबिन की चाबी दो जल्दी। चलो ये दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे मूंगी, किसी वक्त मैंने खुद खरीदे थे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। हमें इन्हें तराशने होंगे, इन्हें बेचने होंगे, और ये काम तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। चलो हीरा तराशना शुरू कर दो। हाँ मैम, पर इतने कम समय में? मैं हूं ना, हम दोनों इन्हें मिलकर तराशेंगे। चलो आज इस मुश्किल की घड़ी में बिरवा और मूंगी एक साथ खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त एक दूसरे को करीब ले आए। अगर ऐसा हुआ तो मूंगी को पटाने का मेरा राज बिरवा के सामने आ जाएगा। रुके साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? माफ करना साहब, बिरवा मैडम का ऑर्डर है, अंदर किसी को मत आने देना, चाहे कोई भी हो। ओ गॉड, अंदर कोई नहीं जा सकता, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। हाँ जितेश भाई, आपको सारे हीरे कल ही मिल जाएंगे। नहीं नहीं जितेश भाई, हीरे बहुत कीमती है तो मुझे दाम भी ऊंचा ही चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कैश कैश या डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। इतनी देर रात को फोन किया, ठीक है। हाँ पटेल साहब, मेरा मायावंशी बोल रही हूँ, सॉरी इतनी देर रात को फोन किया, कुछ जरूरी काम। तुम्हारी ये लगन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा मूंगी। बहुत अच्छे से हीरे तराशे तुमने, फैंटास्टिक। हाँ एक डील फाइनल हो गई है। ये लो मूंगी, पानी पी लो। इस सब की कोई जरूरत नहीं है मैम, आप जानती हैं कि आप मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती।
तो ये अच्छे बनने का दिखावा भी मत कीजिए। आपने मेरे साथ हमेशा बुरा ही किया है, और जो सबसे बुरी चीज आपने मेरे साथ की है ना, वो मैं चाहकर भी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। आज अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ बनेवीलाल, नंदिनी और कृष्णा के लिए। माया, मुझे परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और आज मुझे मौका मिला है कि मैं भी इस परिवार के लिए कुछ कर सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य है। जितना प्यार मुझे इस परिवार से है ना, आपसे उतनी ही नफरत। तो ये सब करने का कष्ट बिल्कुल मत कीजिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो, जब तक कि सच्चाई तुम्हारे सामने ना आए। अब तो सच्चाई ही तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार दिखावा नहीं, और ना ही मैंने तुम्हारा कभी बुरा सोचा। मालिक, मालिक आ गए। अब कौन सा बॉस आया इनका? लगता है इन सब के ऊपर भी कोई है, जिसने इन्हें कहा हमें किडनैप करने को। सबके लीडर, लगता है इन्हें कहा है उन लोग को हमें किडनैप करने को। डरी डरी क्यों? ये सब, ये तो क्या तुम इन्हें जानती हो? ए, तुम लोग आगे कर रहे हो, चलो सोने को। एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।